साथियों, हमारी सरकार जिस सोच के साथ, जिस विजन के साथ काम कर रही है, ये देश ने बीते 5 वर्षों में अनुभव किए हैं। भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग 5 वर्ष पहले कहां थी और आज कहां है, इसकी तुलना आप अगर करके देख लीजिए, अंतर स्पष्ट हो जाएगा। 5 वर्ष पहले तक क्या होता था, हम कुछ भी करते थे, दुनिया भर से हम पर सवाल जवाब शुरू हो जाते थे, दुनिया के देश रूल बनाते थे और हम फॉलो करने के लिए मजबूर हो जाते थे। आज क्या है, आज हमारा देश दुनिया के रूल बनाने में अहम भूमिका निभाने की तरफ बढ़ रहा है। चाहे पर्यावरण से जुड़ा मामला हो, आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला हो, आतंकवाद से जुड़ा मामला हो, या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी और दूसरी तकनीक से जुड़ा मामला, आज जब अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम सीमा पार कर आतंकियों को घुसकर मारते हैं, तो पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती है। क्या 5 वर्ष पहले ये कल्पना कोई कर सकता है? आज संयुक्त राष्ट्र में भारत के साथ पूरी दुनिया एक सुर में खड़ी हो जाती है। जो मंच कभी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के माध्यम बनते थे, वहां आज भारत की आवाज गूंज रही है। कोई कल्पना कर सकता है कि दुनिया में जब गांधी के 150 मना रहे हैं, दुनिया के करीब 150 देश, उनके टॉप मोस्ट सिंगर एंड म्यूजिशियंस वो वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए गाते हो। गांधी के जाने के बाद शताब्दी भी मनाई गई थी, 125 साल भी मनाए गए थे। अब जब 150 मना रहे हैं, तो पूरे विश्व को जोड़ने का सामर्थ्य आज हिंदुस्तान रख सकता है। साथियों, ये सब कुछ सिर्फ मोदी की वजह से हो रहा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और न ही मोदी कभी ऐसा दावा करता है। मोदी एक निमित्त है, एक माध्यम है। ये शक्ति भारतवर्ष के 130 करोड़ देशवासियों की है। मोदी ने तो सिर्फ इतना किया है कि राष्ट्रहित के लिए जो भी फैसले जरूरी है, उनको समय पर बिना किसी दबाव में आए लिया है। अब एसैक परीक्षण का काम मामला ही लीजिए, हमारे पास ये क्षमता कब से थी, ये हमारे तमाम वैज्ञानिक बता चुके हैं, तो फिर कमी कहां थी, किस स्तर पर थी? कमी थी राजनीतिक इच्छा शक्ति की, निर्णय लेने वाले नेतृत्व की। साथियों, जो लोग अपनी सरकार में इस महत्वपूर्ण परीक्षण पर फैसला नहीं ले और न ले पाए, आज वो इस टेस्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये बड़ी गजब की स्थिति है जी। मैं कहीं मीडिया में देख रहा था कि उनके एक विद्वान नेता है जो ये मानते हैं कि जब ईश्वर कांग्रेस के लोगों को बुद्धि बांटने के लिए निकला था, तो कतार में सबसे पहले वो ही थे, वो ऐसा मानते हैं। उनके एक नेता कह रहे थे कि वो बहुत समझदार थे, वो उनकी समझदारी तो काबिले ताबीज है। बोले, हम इतने समझदार थे, इतने समझदार थे, इसलिए इस बात को हमने सीक्रेट रखा और टेस्ट किया ही नहीं। शाबाश। तो फिर प्रोखरण की घोषणा क्यों की थी, क्यों सीक्रेट नहीं रखा? भाई, आपने बाकी काम जो किए हैं, जिसके लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हो, उसकी सीक्रेसी तो मैं समझ सकता हूं जी।
यही वो सोच थी जिसके कारण हमें टेक्नोलॉजी की रेस में, आधुनिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की रेस में कैपेबिलिटी होते हुए भी पिछड़ गए। साथियों, अंतरिक्ष हमारी रोजमर्रा के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज मोबाइल फोन से लेकर खेत, किसान, मछुआरे के जीवन तक की करीब करीब हर गतिविधि अंतरिक्ष कंट्रोल होती है। आप अपने चैलेंज की कल्पना बिना सैटेलाइट के करके देखिए तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि सैटेलाइट की ताकत क्या होती है। हमने एक बहुत बड़े निवेश अंतरिक्ष में किए हैं। चौथी औद्योगिक क्रांति में स्पेस पावर का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। जब इतना बड़ा स्टेक हमारा अंतरिक्ष में है तो क्या किसी बुरी स्थिति के निपटने के लिए, किसी आपातकाल से निपटने के लिए हमें इंतजाम भी ना करें? क्या हम वैसी ही स्थिति में रहें जैसे 1962 में पाए गए थे?